पूछने लगी अपनी माँ से, माँ कहने लगी बेटा पड़ोस में जो लड़की है आज उसकी शादी है, ये उसकी बारात और ये दूल्हा है, जब तू बड़ी हो जाएगी ऐसे तेरी शादी होगी और तेरा भी दूल्हा आएगा। अब मीरा बाई को वो बात लग गई, रोज नादान उम्र में अपनी माँ से पूछती है। आइए किस प्रकार जब 10-15 दिन परेशान हो गई माँ, एक दिन मंदिर में पूजा कर रही वहीं मीरा पहुंच गई और कहने लगी माँ तो बता दे। मीरा बाई की माँ ने कह दी ये पत्थर की तस्वीर, सोचने लगी इसको ही बता दूं ठाकुर जी की जो तस्वीर है ये बोलेंगे नहीं, मेरे से पूछना बंद कर देंगे। मीरा बाई को ऐसे ही बता दिया ये ठाकुर जी की तस्वीर जो हमारे आंगन में है मंदिर में है यही तेरा दूल्हा है। मीरा बाई ने जैसे सुबह माँ ना धोकर पूजा करती ऐसे ही सुबह जल्दी आ जाती भगवान के सामने, कभी मीरा सजा रही है, कभी गुणगान कर रही है, कभी भजन कर रही है, ये क्या बताए, बोली सच्चे दरबार की जी। काजल लागे किरकिरा साहिनाय सुहाय इन नैनन में बतो सावरा तो तू जो कौन समाय उजरे बाजी शाम की मैं तो खेलू पी के संग संगे जीत गई तो पी मोरे हार गई तो मैं पी के संगे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन धन दौलत वस्त्र आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से दो फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है। बोली सच्चे दरबार की जी। ये भाव का भजन है, सभी ध्यान से सुने। करके दर्शन परतन हुई हुई हृदय में उजियारा पत्थर के बतिया दिखाई मन मोहन कुली I'm gonna make you mine।
इसीलिए मीरा बाई का बेड़ा पार हुआ, आज हम इसीलिए गुणगान करते हैं मीरा बाई का। मीरा बाई वैसे तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना यही है सभी भाव से भजन करो। घूंघट पर्दा गाती थी भूत ने दूर करी चमटल तुम्हारी मोहन की चोट जड़ा दी। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।